या इसका वाल नहीं है, क्या इसका कोई पेनियम ख़राब है, क्या उसका कोई बेयरिंग टूटा हुआ है। तो अभी हम लोग इसका गियरबॉक्स ओपन करना, ये देखिए कुछ इस टाइप का टूल्स है बेयरिंग निकालने के लिए, ठीक है। ये देखिए बेयरिंग को देखेंगे कि अगर टाल है कि नहीं, अगर टाल रहेगा तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हल्का थोड़ा स्लाइड थोड़ा इसका टाल है, बैक टू माई चैनल दोस्तों। मेरा नाम है कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटो मोबाइल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का ट्रैफिक है काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होना दोस्तों वीडियो। ये देखिए मेरे पास अभी स्कूटी बाइक आपका प्लेजर बाइक हम लोग ओपन किए थे, और भी कुछ सामने कुछ काम था और सर्विसिंग का भी काम था इसलिए हम लोग ओपन किए हैं। लेकिन इसका थोड़ा एक प्रॉब्लम है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका जो गियर बॉक्स है ना, इधर दिखाओ, इधर इसका जो गियर बॉक्स में इसका वाल नहीं है, क्या इसका कोई पेनियम ख़राब है, क्या उसका कोई बेयरिंग टूटा हुआ है। तो अभी हम लोग इसका गियरबॉक्स ओपन करने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो गियरबॉक्स को कैसे ओपन करते हैं और गियरबॉक्स में क्या क्या चीज़ खराब हुआ है और उस सब हम लोग वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, ऐड करेंगे, और इसका काम करने का कैसे तरीका है, इस बेयरिंग को कैसे निकालता है, ठीक है, बैरिंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब वीडियो को माध्यम से आपको दिखाने वाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बने रहिए दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला दोस्तों वीडियो। और मेरा चैनल पहली बार है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन थोड़ा प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो में अभी बने रहिए, अभी हम लोग गियरबॉक्स ओपन करते हैं, ठीक सकते हैं। अभी हम लोग किस साइड को ओपन किया है, और जो हम लोगों का एक गियर वाला हम लोग ड्रेन कर दिया, एक गियर ऑयल निकला है, मतलब बाइक में हम लोग गियर ऑयल ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें पानी आ जाता है, आके इसको डैमेज कर देता है गियर ऑयल को, और ऑयल से काट जाता है, फिर गियर भी खराब हो जाता है। तो अभी हम लोग ओपन करेंगे, अभी एक किस साइड हम लोग खोलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो बने रहे दोस्तों, ठीक है। जो 10 नंबर का बोल्ट है देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 नंबर को बोल्ट को हम लोग ओपन करने वाला है, ठीक है। तो वीडियो बना रही है, अभी हम लोग गियर को बस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो गियरबॉक्स का जो पिनियन वगैरह है, अभी इस चीज को हम लोग अच्छा से गौर से चेक करेंगे दोस्तों, इस पिनियन का कोई तो टूटा फूटा है कि नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी इसका टूटा भी ठीक है, और इसका जो बेयरिंग है, ये बेयरिंग है, ये हम लोग पूरा सब इसका चेंज करने वाला है, ठीक है दोस्तों। पूरा बेयरिंग हम लोग चेंज करेंगे, और इसको जो सेफ है इससे आप देखिए ये थोड़ा चेक करेंगे, तो चेकिंग चेक करने का मैटर है, ये हम लोग अभी घूमेंगे कि अगर टाल है कि नहीं, अगर टाल रहेगा तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हल्का थोड़ा स्लाइड थोड़ा इसका टाल है,
और इसका जो बियरिंग का देखिए, देखिए इसका बियरिंग काफ़ी पहले हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो बियरिंग है देखिए, इसका जो बियरिंग है ये मुझे ख़राब लग रहा है। और इसका जो बियरिंग चेंज करने का तरीका है दोस्तों, इसका बहुत सारा आफ्टर मार्केट मैकेनिक के बियरिंग को क्या करते हैं, जोर जोर से हैमर से चोट मारता है और इसको टाल कर देता है दोस्तों। ये वाला हम लोगों का पेनियम टाल हो जाता है, लेकिन वो बस रॉन्ग मीटर है। इसका अंदर मोमबत्ती का यूज़ करके, ठीक है, इसको निकालते हैं, तो वो भी रॉन्ग मीटर है दोस्तों। सही तरीका इसका जो टूल्स है दोस्तों, टूल्स हम लोगों के पास है, और इस टूल्स पे हम लोग बियरिंग को निकालेंगे दोस्तों। टूल्स को कैसे है वीडियो को मतलब सब दिखाने वाला दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है, पहले अच्छा से हम लोग यहाँ पर वॉशिंग कर लेंगे, ठीक है, और इस बियरिंग को निकालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो बने रहिए। तो सो गाइस, फाइनली हम लोग अभी इस गियर बॉक्स को ओपन किए थे, अब देख सकते हैं ये हम लोगों का जो पेनियम है ये पूरा टाल हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और देखिए टाल मार रहा है, मतलब हम लोगों का जो गियर बॉक्स का जो साउंड है वो हम लोगों का प्रॉपर नहीं आएगा दोस्तों। इस ऐप को जो बियरिंग का जितना भी सेटअप है, ये हम लोगों का पेनियम वगैरह इसका अंदर जो बियरिंग है सब हम लोगों को पूरा एकदम पूरा सब कंप्लीट हम लोगों का सेटअप करके गाड़ी में ऐड करना पड़ेगा। तो पार्टी का कहना है अभी बहुत बजट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार रुपया पूरा लग जाएगा इसमें पूरा सेटअप लाने के लिए, ठीक है। तो पार्टी का कहना है अभी इसको हम रहने देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही चलाएगा पार्टी। और देखिए ये जो टूल से हम लोगों का जो बियरिंग निकालने का लिए, ठीक है, तो इसको कैसे बियरिंग को कैसे निकालते हैं टूल की मदद से, और एक पेनियम को कैसे इंस्टॉल करते हैं सब इस वीडियो को मतलब सबको दिखाने वाला नहीं है अभी, ठीक है। तो बाद में जब ये कराएगा पार्टी, जब बोलेगा जो काम हम लोग कर दो, तब हम वीडियो पर आपको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का जो शू है, मतलब हम लोगों का जो 1x शू है प्लस शू, हम लोग इस शू को हम लोग अभी इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, नया 25 करके लेकर आएंगे अभी। इसका जो हम लोगों का जो पेनियम है, जितना भी बियरिंग पेनियम है, ये मैक्सिमम 40-50 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद इसको हम लोगों का चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो साउंड कट करता है, बियरिंग का तो फिले हो जाता है, पेनियम भी बहुत खा जाता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोगों का गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा साउंड कट करता है, ठीक है। तो सैप भी थोड़ा टाल हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोगों को पूरा कम्प्लीट सेट परचेस करके इसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा प्राइस भी थोड़ा बहुत भी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पार्टी थोड़ा घबरा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई वीडियो में दोस्तों, अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं दोस्तों, ठीक है।